पाकिस्तान में वैसे तो हर साल ये सुनने में आता है कि किस राजनेता ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया और किसने सबसे कम, लेकिन इस साल पाकिस्तान की कर एजेंसी FBR की ओर से टैक्स डायरेक्टरी 2019 की डिटेल जारी की गई है, जिसके बाद से ये सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आखिर कितना टैक्स देते हैं, पिछले 3 सालों के दौरान टैक्स की अदायगी और आमदनी क्या रही, और फिर अचानक उनकी ओर से टैक्स की अदायगी में इतना बड़ा उछाल कैसे आ गया, ये सब सवाल अब खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की एजेंसी FBR की वेबसाइट पर टैक्स डायरेक्टरी की जानकारियां सार्वजनिक की गई हैं, जिनमें पाकिस्तान के सांसदों ने कितना टैक्स भरा इसकी जानकारी दी गई है। इस सूची में प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम 104वें नंबर पर है। साल 2019 की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान की आमदनी 4,35,00,000 रुपए है। उन्होंने साल 2019 में करीब 98,00,000 रुपए टैक्स अदा किया है। FBR की सूची में दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की सामान्य आय 3,89,00,000 रुपए बताई गई है, जबकि अनुमानित आय करीब 22,00,000 रुपए है। प्रधानमंत्री इमरान खान की कृषि आय करीब 23,00,000 रुपए बताई गई है। अगर साल 2018 की FBR रिपोर्ट देखें तो इमरान खान जब NA 95 सीट से संसद के लिए चुने गए थे तो उन्होंने करीब 3,00,000 रुपए टैक्स अदा किया था, लेकिन साल 2017 में इमरान खान ने करीब 1,00,000 रुपए आयकर अदा किया था। FBR की ओर से सांसदों के आयकर की जानकारी पिछले 6 साल से जारी की जा रही है। FBR ने बीते साल सांसदों की ओर से अदा किए जाने वाले आयकर के अलावा पहली बार उनकी आमदनी, अनुमानित आय और कृषि आय की जानकारियां भी जारी की हैं। अनुमानित कर वो कर होते हैं जब विद होल्डिंग टैक्स को कुछ खास हद तक वसूली के बाद काट दिया जाता है, तो फिर संबंधित व्यक्ति की आय का अनुमान लगाया जाता है। प्रधानमंत्री इमरान खान के 3 सालों के दौरान अदा किए जाने वाले टैक्स में अंतर है। खास तौर पर 2018 और 2019 के बीच अदा किए गए टैक्स में बढ़ोतरी के बाद सोशल मीडिया पर लोग एक और ये सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा कारोबार शुरू किया कि उनकी 1 साल में आमदनी इतनी बढ़ गई, तो वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक उनके इस कदम को सराहते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ विपक्षी राजनेता आलोचना भी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद टैक्स अदायगी की जारी की गई जानकारी सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बनी हुई है। जहां एक और 2018 के मुकाबले 2019 में इमरान खान की टैक्स अदायगी में 172% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी सबसे अधिक टैक्स भरने वाले सांसदों में शामिल हैं। खाकान अब्बासी ने 2018 में सबसे ज्यादा 24,00,000,000 रुपए टैक्स अदा किया, जो कि 2017 में 30,00,000 रुपए था जब वो प्रधानमंत्री थे।